सुमलपुर क्षेत्र की एकता नगर कॉलोनी में रहने वाले क्षेत्रवासियों ने आज क्षेत्र में हो रही राजनीतिक अपेक्षा को लेकर अपने रोष का इजहार किया। पिछले लगभग 8 दिनों से पानी की बूंद बूंद को मोहताज क्षेत्रवासियों के सब्र का बांध उस वक्त टूटा जब बिजली को लेकर क्षेत्रवासी दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गए। पिछले लगभग 15 दिनों से लाइट का वोल्टेज कम आने से परेशान लोगों ने हजारीबाग स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जताई। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी महिलाओं ने रोष प्रदर्शित किया। महिलाओं का आरोप था क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं है। बिजली की परेशानी को लेकर आज जब क्षेत्रवासी सराधना स्थित डिस्काउंट के कार्यालय पहुंचे तो वहां से उन्हें हजारीबाग कार्यालय पर जाने के लिए चलता कर दिया। जब वे हजारीबाग पहुंचे तो उन्हें पता चला कि 15 दिन से चल रही इस समस्या की जानकारी यहां पहुंची ही नहीं है। लोगों ने बताया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर किए जा रहे कार्यों के चलते उनकी परेशानियां सातवें आसमान पर पहुंच गई है। हम पिछले सर 10-15 दिन से सर हमारी गली सर आईओसी डिपो इंडियन ऑयल आईओसी डिपो एकता नगर के पीछे हम रहते हैं सर। हमारी कॉलोनी है वहाँ पर सर गली नंबर 1 से लगा कर गली नंबर 7 तक सर पिछले सर 10-15 दिनों से लाइट की सर सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही सर। सर लाइट का पावर सर इतना कम आ रहा है कि ना तो सर हमारा फ़ोन चार्ज हो पा रहा है ना सर कूलर चल रहा है सर। ऐसी गर्मी के अंदर सर बिना कूलर पंखे कोई रह सकता है क्या सर? सर घर में सर बुजुर्ग लोग भी हैं, छोटे बच्चे भी, उनको रात को नींद नहीं आती सर। सर ये रिसेंटली बात है कि सर मेरी खुद की दादी सर जो उनकी एज अभी 80 अबव है सर, गर्मी की वजह से सर उनको रात को 10 बजे में सर विक्टोरिया भर्ती कराया था सर। अभी उनका चाहिए तो मेडिकल प्रूफ भी है सर, गर्मी की वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई थी सर। तो सर ये इतनी गंभीर समस्या है कि ना तो सर हमारे हम यहाँ से सर सुबह आज अर्ली मॉर्निंग हमने पूरे मोहल्ले वालों ने इकट्ठा करके सर हमने सर जो टोल फ्री नंबर होता सर विद्युत निगम का उस पर हमने कॉल किया था सर। कम से कम 10 जनों ने कॉल किया था, उन्होंने बोला कि आपकी जो ये आपकी समस्या इसका समाधान हम करेंगे, लेकिन सर अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आप पहले कहाँ गए और फिर फिर हम सबसे पहले आज सुबह सर हम सराधना गए थे 8 बजे से। 8 बजे से वहाँ सराधना गए, वहाँ ऑफिस खोला सर, वहाँ के जो कर्मचारी उनसे हमने बात की, उन्होंने हमें उल्टा जवाब दे दिया। फिर हम वहाँ हमारी उन्होंने हमें ये बोला कि ना यहाँ पे कोई जैन नहीं है, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, ये कोई नहीं, हमने उल्टा जवाब देके बाहर निकाल दिया। लेकिन सर हमारी मांग पे हम अड़े रहे, हमने वहीं 10-11 बजे तक हमारे जैन का इंतजार किया, जो वहाँ के बड़े ऑफिसर उनका इंतजार किया। लेकिन सर जब नहीं आए तो हमने कहीं और से पता करके इन्हें बताया कि वो तबीजी पंचायत पे बैठे हैं। तो सर हम सारे पुरुष सारे जैन आदमी वहाँ पंचायत समिति गए, वहाँ से सर जैन को लाया। सर जैन ने हमको यहाँ ला के सर लेडीज़ के सामने हमसे बात की, हमसे बात करके ये बोला कि हम आपका ये मामला है, हमने हजारीबाग के अंदर सौंप दिया आपकी हजारीबाग में, आपकी फाइलें पिछले 20 दिन से हजारीबाग में शिफ्ट हो गया है, आपका पूरे एरिया हमने हजारीबाग में। फिर हम वहाँ से वापस सर तपती धूप के अंदर बिना पानी बिना खाना पिए सर यहाँ आए, तो यहाँ आके भी उन्होंने ये समस्या बता रहे कि आपका खेला सराधना सर हम यहाँ से वहाँ भटक रहे सर, हमारी कोई मांग ही नहीं सुन रहा सर हमारी ये समस्या सर। आगे आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे सर? हम कलेक्टर के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर सर हमारी लाइट की जो ट्रांसफर उसको आग लगा लेंगे सर। ठीक है, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम सर महेश पाल सिंह, गली नंबर 1 आईओसी डिपो के पीछे। जी आप कहाँ से आए और क्या समस्या को लेकर के आए? एकता नगर सोमलपुर से आए। एकता नगर सर हमारी एक लाइटें नहीं आ रही है, बिल्कुल पावर कम आता है सर, ना तो टीवी उठता है ना पंखा चलता है ना कूलर चलते हैं, और चलते भी है तो लाइटें चली गई तो पूरे कूलर की लाइटें भी ऑफ हो गई, और हमारे पानी वानी की भी समस्या है, और ये लोग लाइट टाइम पर ना तो लाइट देते हैं ना कुछ भी, और हम लोग अभी ये कंप्लेन लिख कर हम लोग आज 15-20 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। उसके बदले हम लोग वहाँ सराधना गए तो सराधना वालों ने हमें वहाँ 2 घंटे से वहाँ तपस्या कर रहे हैं, 2 घंटे से वहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो वहाँ के जीएन ने के एन था जो उन्होंने बोला कि आपकी सारी कंप्लेंट 15-20 दिन से हमने हजारीबाग भेज दी है। अब जब हम वहाँ से चलकर हम हजारीबाग आए तो हजारीबाग वाले बोल रहे हैं कि आपकी कंप्लेंट हमारे पास अभी तो कुछ भी नहीं आई, और ना ही आपकी फाइल हमारे पास आई है, और आएगी तो 1 तारीख के बाद ही आएगी सर। अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? हम लोगों को परेशान करते हैं, इधर से उधर हमको भटका रहे हैं। ये पानी वाली की पानी की भी हमारी परेशानी है सर, पानी का इतनी दिक्कत है कि सर हमारे पानी नहीं आता है, बिल्कुल पानी आता है और ना ही हमारे पानी आता है, और ना ही हमारे ये बिजली का है हमारे इतने पास, और ना ही हमारे सबके आपका। और सर मेरा नाम पुष्पा है, एकता नगर सोमलपुर से हूँ सर। और सर ये सब एक बड़ी बात समस्या है हमारी, इनकी ये रोड भी नहीं बनी हुई है सर। हम लोग है ना सरपंच के पास भी गए तो सरपंच ने भी हमें जवाब दे दिया कि आप पट्टे बनवाओ ये बनवाओ। अब सर हमारे पास का रोड बन गया और हमारा अभी तक रोड नहीं बना है सर। ठीक, ये बताइए। हम बहुत परेशान हो गए, हर चीज़ से परेशान हो गए सर, ये लाइट से परेशान, पानी से परेशान, सड़कों से परेशान, हम सब तरफ से परेशान हो चुके हैं सर। ठीक है, आपका नाम? पुष्पा देवी।